प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। जैसा कि आपको पता है, हमारी नाउन सीरीज चल रही है और नाउन सीरीज का ये दूसरा वीडियो है आई थिंक आज। तो नाउन के बारे में हमने कल जाना था कि नाउन क्या है और नाउन के कितने प्रकार होते हैं। आज हम नाउन को एक दूसरे तरीके से पढ़ेंगे। आप जनरली जानते हैं कि नाउन दो प्रकार के होते हैं, कि काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। तो उन्हीं को आज हम स्टडी करेंगे, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। तो हम पता करेंगे कि काउंटेबल नाउन कौन से होते हैं और अनकाउंटेबल नाउन कौन से होते हैं। देखो, वैसे तो इन्हें याद करने में बड़ा ही कन्फ्यूजन होता है और कुछ बच्चे, उनको लगता है कि अरे बाल बाल तो हमारे बहुत ज़्यादा हैं, इन्हें तो हम काउंट नहीं कर सकते, तो ये तो अनकाउंटेबल होंगे। अरे स्टार्स स्टार्स तो बहुत ज़्यादा हैं, इन्हें तो हम काउंट नहीं कर सकते, तो ये तो अनकाउंटेबल होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, आज मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, उम्मीद है आपको समझ में आएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, नाउन नाउन दो प्रकार के होते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अगर आपने इस चीज़ को समझ गया तो आपका काम खत्म है। आपका जो मैंने कल आपको प्रॉपर नाउन पढ़ाया था, जो किसी व्यक्ति विशेष के लिए यूज होता है, वो क्या होता है? काउंटेबल नाउन होता है। दूसरा मैंने आपको कॉमन नाउन पढ़ाया था, कॉमन नाउन भी क्या होता है? काउंटेबल होता है। फिर तीसरा मैंने आपको कलेक्टिव नाउन पढ़ाया था, कलेक्टिव नाउन भी क्या होता है? काउंटेबल होता है। ठीक है, तो काउंट किया जा सकता है। तो आप नाम से ही पता चल रहा है कि काउंटेबल नाउन कौन से होंगे जिन्हें काउंट किया जा सकता है। ठीक है, अब काउंटेबल नाउन के बारे में आपको एक और इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। मान लो कोई काउंटेबल नाउन है। क्या है? काउंटेबल नाउन है। तो हम, आपको पता है, नाउन के पहले हम किसका यूज कर सकते हैं? आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। वो आर्टिकल ए हो सकता है, एन हो सकता है, द हो सकता है। लेकिन जब हम काउंटेबल नाउन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? काउंटेबल नाउन की। तो काउंटेबल नाउन के साथ तीनों आर्टिकल्स का हम यूज कर सकते हैं। जैसे काउंटेबल नाउन के साथ अगर मैं ए का यूज करना चाहूँ तो ए का यूज भी हो जाएगा, एन का यूज करना चाहता हूँ एन का भी हो जाएगा, दा का यूज करना चाहता हूँ दा का यूज भी। तो ये क्या है? आर्टिकल है। क्लियर है? ठीक। अब अगर मैं बात करता हूँ कि जो मेरा काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन यदि मेरा सिंगुलर है, कैसा है? सिंगुलर है, तो उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब होगी ना, सॉरी, हेल्पिंग वर्ब कहें या वर्ब कहें, वो कैसी होगी? सिंगुलर होगी। दूसरा, यदि मेरा काउंटेबल नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी होगी? प्लूरल होगी। ठीक है, तो ये चीजें तो काउंटेबल नाउन के बारे में जानी हमने। काउंटेबल नाउन के बारे में एक और जो छोटा सा पॉइंट हमें जानना है कि जो हमारा काउंटेबल नाउन होता है, काउंटेबल नाउन जो होता है, शॉर्ट में मैंने लिख दिया है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन के पहले अगर मैं आर्टिकल एडजेक्टिव का यूज कर रहा हूँ, एडजेक्टिव, वैसे सिर्फ ये ही तो एडजेक्टिव नहीं है, और भी बहुत सारे एडजेक्टिव हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं। जैसे लिटिल है, आ लिटिल है, द लिटिल है, फ्यू है, आ फ्यू है, द फ्यू है, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा नाउन वाले चैप्टर में। फिलहाल आपको ये याद रखना है इतना कि जो हमारा काउंटेबल नाउन है ना, काउंटेबल नाउन के साथ मच या मैनी में से किसका यूज होता है? मैनी का। और फ्यू में, और फ्यू के, फ्यू या मच में से किसका यूज होता है? ये मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया है, मैंने मच यहाँ पे भी लिख दिया है और मच यहाँ पे भी लिख दिया है। तो ये मैं वही अभी आपको बता रहा था ना, लिटिल बता रहा था, जो वो आएगा यहाँ पर, कोई बात नहीं, वो यार ये मिस्टेक। चलो देखो, तो हमारा जो मैनी या फ्यू है वो तो काउंटेबल नाउन के पहले यूज होगा। कौन सा? मैनी या फ्यू। और जो हमारे अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन के पहले कौन सा यूज होगा? या तो मच यूज होगा या लिटिल यूज होगा। इन दो बातों का ध्यान रखेंगे। अब इधर आ जाते हैं हम काउंटेबल नाउन पर। तो आपका जो मटेरियल नाउन है, मटेरियल नाउन मैंने आपको क्या बताया था भाई? मैटर है, सोन है, सोना है, वो और चांदी है, ये सब क्या है? मैटर है। तो ये सब क्या होंगे? काउंटेबल नाउन। दूसरा मैंने आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बताया था। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? जैसे फीलिंग्स है, एयर है, लव है, ये सब क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो इनको क्या नहीं किया जा सकता? काउंट नहीं किया जा सकता। देखो बहुत आसान है, जैसे मैंने प्रॉपर नाउन में बात की थी राम की, काउंट कर सकते हैं। कॉमन नाउन में मैंने बात की थी बॉयज की, काउंट कर सकते हैं। ऐसे कलेक्टिव नाउन में मैंने पुलिस की बात की थी तो काउंट किया जा सकता है। लेकिन मैंने बात करी मटेरियल नाउन की, तो मटेरियल नाउन में मान लो मैंने गोल्ड की बात करी, तो क्या गोल्ड को गिन सकते हैं? नहीं। गोल्ड को तोला तो जा सकता है, 2 किलो 3 किलो, लेकिन उसको गिना नहीं जा सकता। ऐसे ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में मैंने बात की लव की, क्या आप लव है, एयर है और ऑनेस्टी है, तो क्या आप इन सबको गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। तो ऐसी चीजें जिन्हें गिना जा सकता है वो काउंटेबल नाउन होती है, और ऐसी चीजें जिन्हें नहीं गिना जा सकता है वो अनकाउंटेबल नाउन होती है। इसमें हमने दो चीजें जानी कि जो हमारा प्रॉपर नाउन होता है कॉमन नाउन होता है, और कलेक्टिव नाउन होता है वो काउंटेबल होता है, और जो हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं और मटेरियल नाउन होते हैं वो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। दूसरा,
यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमने देखा था कि जो हमारा काउंटेबल नाउन है उसके साथ हम तीनों आर्टिकल्स का यूज कर सकते हैं, चाहे वो ए हो, चाहे वो एन हो, चाहे वो द हो। जबकि अगर हम बात करते हैं अनकाउंटेबल नाउन की, किसकी बात करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन की, तो अनकाउंटेबल नाउन के पहले ना तो हम आर्टिकल ए का यूज कर सकते हैं, ना ही आर्टिकल एन का यूज कर सकते हैं, इसके पहले सिर्फ आर्टिकल द का यूज होगा। इस बात को विशेष ध्यान रखेंगे कि जो हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन के पहले सिर्फ आर्टिकल द का यूज होता है। ये बात क्लियर हुई। दूसरा आ जाते हैं अब हम इधर। अब आपको पता है कि अनकाउंटेबल नाउन क्या होगा भाई, सिंगुलर ही होगा ना, जब इसको गिना नहीं जा सकता तो हम सिंगुलर मान लेते हैं इसको। जब सिंगुलर मान लेंगे तो इसके साथ जो वर्ब आएगी, वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर, क्योंकि आप क्या जानते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कैसी वर्ब आती है, सिंगुलर आती है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कैसी वर्ब आती है, प्लूरल आती है। तो ये चीज क्लियर हुई होगी। तो हमने केवल दो तीन पॉइंट्स को समझा है। देखो आप, एक तो दो तरीके हैं पढ़ने के, एक तो आप बहुत लंबी क्लास की जाए और उसमें आपको बहुत सारी चीजें बता दी जाए, वो आपके सर के ऊपर से जा सकती हैं। एक है कि आपको टुकड़ों में थोड़ा थोड़ा करके चीजें समझाई जाए तो आपको आसानी से समझ में आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको चीजें उतनी अच्छे से समझ में नहीं आ पा रही हैं। यही रीजन है कि आप इंग्लिश को नहीं सीख पा रहे हैं। तो हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा देने की कोशिश करेंगे, उम्मीद है आप इसको यूज करेंगे और इसका लाभ लेंगे। तो ये दोनों चीजें मैंने आपको बता दी, ये भी बता दी, ये भी बता दी। अब देखो मैंने तीन चार सेंटेंस भी लिखे हैं, तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि कहां पर क्या चीज यूज होगी। तो देखो जैसे मैंने कहा मच या मनी, मनी वाज या बर वेस्टेड ऑन द सो। तो सबसे पहले देखो मनी, मनी क्या है, आपका नाउन है। अब मनी कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है भाई, मनी की बात करते हैं। चलो मैं अगर आपसे पूछूं, अगर ये लाइव क्लास होती तो मैं आपसे पूछता कि कितने बच्चों ने मनी को देखा है ना। तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं हमने देखा है, हमने देखा है। मैं पूछता कितने बच्चों ने मनी को गिना है, तब भी बहुत सारे बच्चे कहते सर जी हमने गिना है, हमने गिना है। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप मनी को नहीं गिनते हैं। अगर हम इंडिया की बात करते हैं, हम इंडिया में रहते हैं तो हम मनी को नहीं गिनते हैं, हम पैसे को गिनते हैं या हम रुपयों को गिनते हैं, है ना। और जबकि मान लो हम अमेरिका में रहते हैं तो हम डॉलर को गिनते हैं। तो मनी क्या है, मनी एक तरीके से इस दुनिया में जितने भी तरीके की करेंसी हैं जगह जगह पर, उन करेंसीज का जो कलेक्शन है उसे क्या कहा गया है, मनी कहा गया है। तो मनी को नहीं गिना जा सकता, मनी के अंदर आने वाले डॉलर को गिना जा सकता है, येन को गिना जा सकता है, रेमेनबी को गिना जा सकता है, रुपया को गिना जा सकता है, टका को गिना जा सकता है, इन सब को गिना जा सकता है। तो मनी कैसा नाउन हो गया, अनकाउंटेबल। और अभी अभी मैंने आपको क्या बताया है कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ मच यूज होगा या मैनी यूज होगा। बहुत बहुत ज्यादा इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ कौन सा यूज होता है, मच यूज होता है। तो इसका मतलब इन दोनों में से कौन सा सही है, ये वाला तो सही है और ये वाला क्या है, गलत है। फिर मनी, अब मैंने बताया इसके बाद कैसी वर्ब आती है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आती है, ऊपर वाला लिखा हुआ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। तो जब ये अनकाउंटेबल नाउन है तो आपको पता है वाज और वर, वाज किसके साथ यूज होती है, सिंगुलर के साथ यूज होती है, और वर किसके साथ यूज होती है, प्लूरल के साथ यूज होती है। तो जब मनी क्या है, सिंगुलर है, मनी कैसा है, सिंगुलर है, तो मनी के साथ वाज आएगा ना कि वर। तो यहां पर वर भी क्या हो गया, गलत, और वाज क्या हो गया, सही। बाकी आगे तो वही है, वेस्टेड ऑन द सो। तो उम्मीद है आपको पहला सेंटेंस समझ में आया होगा। दूसरे सेंटेंस की बात करते हैं। जैसे मैंने कहा आई हैज या हैव अ फ्यू फ्रेंड्स। तो अब आपने देखा आई, आई क्या है, आई तो भाई प्लूरल है। आपको एक बात ध्यान रखना है, आई को पास्ट टेंस में सिंगुलर माना गया है, जबकि आई को प्रेजेंट और फ्यूचर में क्या माना गया है, प्लूरल माना गया है। तो आगे आप देख रहे हैं हैज या हैव किसमें यूज होता है, प्रेजेंट में यूज होता है। तो आई कैसा है, प्लूरल है। जब आई प्लूरल है तो प्लूरल के साथ कौन सी वर्ब आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी, और ये वाली क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। अब ये है आ फ्यू फ्रेंड। अगर मैं यहाँ थोड़ा सा सेंटेंस को और बना देता हूं, मैं अगर लिख देता हूं यहाँ आ फ्यू या लिटिल फ्रेंड्स। अब आपने देखा फ्रेंड्स, क्या फ्रेंड्स काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। आप कहेंगे सर फ्रेंड काउंटेबल है, क्या है, क्योंकि मैं अपने दोस्तों को तो गिन सकता हूं ना, काउंटेबल है। और आपने अभी अभी क्या पढ़ा है, आपने देखो यहां पर पढ़ा है कि काउंटेबल नाउन के साथ क्या यूज होता है, या तो मैनी यूज होता है या फ्यू यूज होता है। तो इसका मतलब लिटिल, या तो लिटिल आना चाहिए या फ्यू आना चाहिए। लेकिन हम जानते हैं जो लिटिल है हमारा वो तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है, जबकि फ्रेंड हमारा क्या है, काउंटेबल नाउन है। तो लिटिल तो यहां पर आएगा नहीं, तो यहां पर क्या सही होगा, अ फ्यू। क्लियर है, नेक्स्ट पर चलते हैं। दे, भाई दे प्लूरल है तो ये तो पास्ट में चला गया। दे डिसाइडेड टू सेल द
फर्नीचर। देखो अब समझो, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि जो हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन के पहले सिर्फ कौन सा आर्टिकल यूज होता है, कहां गया सेंटेंस, मैंने लिखा था कहीं पर, ये रहा, अनकाउंटेबल नाउन के पहले सिर्फ कौन सा आर्टिकल यूज होता है, द। तो यहां पर द लिखा हुआ है, सही लिखा हुआ है या गलत लिखा हुआ है? अगर मान लो यहां इसकी जगह पर लिखा हुआ था ए या एन, तो वो क्या होता, गलत, क्योंकि हम जानते हैं फर्नीचर। अब आप कहेंगे फर्नीचर, देखो फर्नीचर क्या है, फर्नीचर तो कुछ है ही नहीं, फर्नीचर बोला कैसे जाता है, जैसे कुर्सी है, मेज है, बेड है, अलमारी है, इन सबको मिला के क्या बोला जाता है, फर्नीचर। तो फर्नीचर में तो सिर्फ मैं कुर्सी मेज को भी फर्नीचर कह सकता हूँ, मैं कुर्सी मेज अलमारी को भी फर्नीचर कह सकता हूँ, मैं कुर्सी मेज अलमारी सोफा सेट इनको भी फर्नीचर कह सकता हूँ। तो इसीलिए फर्नीचर को नहीं गिना जा सकता, जबकि फर्नीचर के अंदर आने वाली चीजों को गिना जा सकता है, जैसे फर्नीचर के अंदर टेबल आ रही है गिना जा सकता है, चेयर आ रही है गिना जा सकता है, बेड आ रहे हैं गिना जा सकता है। तो इसीलिए फर्नीचर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। जब फर्नीचर अनकाउंटेबल नाउन है, हमने जाना अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल सिर्फ दा का यूज होता है, ए या एन आर्टिकल गलत होता है। तो इसके पहले जो आर्टिकल दा आ रहा है वो सही है या गलत है? आप कहेंगे सर सही है, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन के पहले सिर्फ दा का यूज होता है। इसको देखो, जैसे मैंने कहा द नेकलेस, अब क्या भाई नेकलेस को गिन सकते हैं? आप कहेंगे सर जी गिन सकते हैं नेकलेस को, तो हार है ना, तो इसके पहले द आ रहा है, सही है, ठीक है। इज मेड ऑफ गोल्ड, किससे बना हुआ है, गोल्ड से। अब आ गोल्ड से बना हुआ है या एन गोल्ड से बना हुआ है? अब आपने जाना कि जो गोल्ड है, गोल्ड क्या है, गोल्ड एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, सॉरी मटेरियल नाउन है, मटेरियल नाउन है, और हम जानते हैं कि जो मटेरियल नाउन होते हैं वो कौन से होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं, है ना। जब मटेरियल मटेरियल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम जानते हैं ना तो ए आता है और ना ही एन आता है, तो ये दोनों ही क्या होंगे, गलत होंगे। सेंटेंस सिर्फ इतना सही होगा, द नेकलेस इज मेड ऑफ गोल्ड। तो उम्मीद है ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा, और यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।